किसी को पता है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है? नहीं, आप बता दो कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना। नमाज पढ़ी जाती है सात हड्डियों से। पूछो कैसे? कैसे? पैर की दो हड्डी, ये दो फीट, ठीक है, दो घुटने, दो पंजे और एक सर। तो दो दो चार, दो छः, सात। एक्चुअली नोज भी टच होना चाहिए, लेकिन वो नोज थोड़ा, क्या मेरा थोड़ा सर्जरी हुआ है तो मैं गिर गई थी ना, तो इस हिसाब से ये टच होता है कभी। Am I right? जितने मुस्लिम है यहाँ पे, सही बोल रही हूँ मैं? ओए मेरा आईक्यू लेवल देखो क्या, वाओ। सीख रही हैं आप, सीख रही हैं। मेरा आईक्यू लेवल बहुत नंबर वन हो गया आजकल, मैं रोज सीखती हूँ नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। देखो मुझे, हम लोग को मालूम ही नहीं कि सात हड्डियों से होती है। पहले मैं सोचा सात हड्डियों से कैसे भैया, मुझे लगा सात हड्डी रखनी पड़ेगी, पहले ऐसे लगा, बाद में पता चला ऐसे। राखी, आप अपने मर्जी से इस्लाम कबूल किया है जी? आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है? हमारे हस्बैंड ने करवाया है, हमारे उन्होंने करवाया तो हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते ना। तो बात मर्जी हो या ना हो, खुदा तो एक ही है, यू नो। तो जब मैं पैदा हिंदू हुई और मेरी माँ बाद में क्रिश्चियनिटी में आई, मॉम के साथ साथ मैं आई, मैंने शादी एक मुस्लिम लड़के से करी, तो उन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करवाया। तो उसमें जब आप इस्लाम कबूल करते हो तो आपके और आपके खुदा के बीच में होता है। हाँ, वो अभी हमारी ज़िंदगी में है नहीं, बट हम इसको जारी रखें तो हमें सुकून मिलता है। और हमारे पीछे अभी आना नहीं, हमारे वॉक के पीछे, पूरे दुनिया भर में गूंज रही है हमारी वॉक। पाकिस्तान मत जाओ यार, मत जाओ आगे, मत जाओ।